अपने बेबुनियाद बयानों के लिए देश भर में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा सरस्वती स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में एक कार्यक्रम में बयान दिया गया, जिसका आज बनखेड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर के पूर्व छात्र एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जमकर विरोध किया। पुलिस थाना बनखेड़ी में छात्र एवं विद्यार्थी परिषद के सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लिखा गया कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम में बयान दिया, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे नफरत का पाठ सीख कर दंगा करते हैं। इस कथन से हम सभी को बेहद आघात लगा है। हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। हमारे आस पड़ोस के बच्चे हमको साथ में नहीं खिलाते, हमारे साथ खेलने मेल जोल करने में हिचकिचा रहे हैं एवं हमको दंगाई दंगाई कहकर चिढ़ा रहे हैं। हम लोग दंगा नहीं करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। अतः ऐसे शिक्षा विरोधी मानसिकता के सांसद के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए एवं हम बच्चों की उनसे रक्षा की जावे। राष्ट्रगान होकर वहाँ उस स्कूल का समापन होता है, जहाँ दोपहर में भोजन मंत्र के बाद भोजन होते हैं, वहाँ पर क्या संस्कार दिए जाते हैं। और दिग्विजय सिंह जी के ऐसे ऊटपटांग बयान, मैं तो दिग्विजय सिंह से भी कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र होने के नाते मैं तो उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। बिना बताए आप किसी भी सरस्वती स्कूल में चले जाएं, आपका स्वागत है। और वहाँ की गतिविधियाँ देखें, आतंकवादी कहाँ पाले जाते हैं। देश प्रेम राष्ट्रभक्ति हम लोगों ने सरस्वती शिशु मंदिर से ही सीखी। नहीं चलेगी। मुर्दाबाद।